सर्वप्रथम मैं श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करना चाहूँगा और आदरणीय अतिथियों और मेरे प्रिय भाइयों को मैं सादर नमन करना चाहूँगा। मेरा नाम अनक तिवारी है और आज मैं ग्रुप बी वीर शिवाजी ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और आज मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं श्री राम जी के चरित्र पर वक्तव्य कर सकूँ। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि श्री राम जी के चरित्र से जानने से पहले हमें जानना चाहिए चरित्र का महत्व क्या है। चरित्र का महत्व तो बताते हुए मनुस्मृति में लिखा है, वृत्तम यत् संरक्षेत् वृत्तम ये यदादि च अक्षीणो वित्तदशीणो वृतस्ततु हतो हत। अर्थात यदि आपका धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन और अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा थोड़ा गया, लेकिन यदि आपका चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो गया। इसी बात का उदाहरण देते हुए इतिहास में कई उदाहरण है, जैसे शिवाजी और प्रताप, इनके आगे हम उपाधि लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका चरित्र महान था। हम उन्हें महान प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें ये भी जानना चाहिए कि चरित्र में आदर्श चरित्र किसका है, ऐसा चरित्र कौन सा है जो सबसे सबसे शिरोमणि है चरित्र में। हमसे सब लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा चरित्र महान होना चाहिए, लेकिन हो तो किसके ऐसा होगा। और विदुर नीति में भी लिखा है, सूर्यताम धर्म सर्वस्वाम श्रुत्वा चैतर धाम आत्म प्रतिकुलानी परेशान न समाचरित। अर्थात कि हमें धर्म सारे धर्म को सुनना चाहिए और उसका सार ग्रहण करके औरों के प्रति ऐसा आचरण करना चाहिए कि वो सबको अच्छा लगे। तो ये गुण किसमें दिखते हैं? इतिहास में हमें एक ऐसा ही उदाहरण मिलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। उन्हें हम पुरुषोत्तम की उपाधि से सम्मानित करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम है, उनके हर कार्य में आदर्शता झलकती है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो पिता का धर्म हो, चाहे वो पुत्र का धर्म हो, चाहे वो पति का धर्म हो, उन्होंने सब धर्म को इस तरह से निभाया कि उस धर्म में उनके हर कार्य में आदर्शता झलके। इसी बात का प्रमाण देते हुए रामायण में एक प्रसंग आता है, रावण और कुंभकर्ण का। रावण कुंभकर्ण से कहता है कि हे कुंभकर्ण, मुझे कोई ऐसा उपाय कहो जिससे सीता मेरी हो। तो कुंभकर्ण कहते हैं कि हे भैया, आप तो मायावी में सब कुछ जानते हैं, आप सारी माया जानते हैं, तो आप राम जी का रूप धारण करके सीता माता के पास चले जाइए, वो उनका सतीत्व भंग हो गया तो स्वतः आपकी हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि हे कुंभकर्ण, मैंने इसका प्रयोग पहले किया, लेकिन जैसे ही मैं राम जी का ध्यान करता हूँ वैसे मेरे हृदय में गजब का परिवर्तन होता है। मुझे सीता तो क्या, आपकी भाभी मंदोदरी भी माता समान दिखती है, तो सीता तो की बात ही क्या। जब राम जी का ध्यान करने से ऐसी महानता प्रकट हो जाती है तो स्वयं राम जी का चरित्र कितना महान होगा। ऐसा दिव्य चरित्र को पालना ही हमारे चरित्र में आदर्शता भर देगा। अब ये भी प्रश्न उठता है कि ऐसे चरित्र को हम कैसे अपने जीवन में उतारें। तो इसी बात को बताते हुए श्री राम जी ने विभीषण से रामायण में कहा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अर्थात कि हमें अपने जीवन में निर्मलता भरनी चाहिए और कपट छल छिद्र यानी कि और में अवगुण देखने जैसे दुर्गुणों को हटा के फेंक देना चाहिए। यदि ये दुर्गुण चले गए तो स्वयं ही हमें राम जी का चरित्र प्रकट हो जाएगा, तो स्वयं का ही चरित्र हमारा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि चारों से कर्म बनते हैं, कर्म से आदतें बनती हैं, आदतों से संस्कार बनता है और संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है। और यदि हमारे विचार में निर्मलता आ गई और छल छिद्र कपट हट गए तो स्वतः ही राम जी का चरित्र हमारे जीवन में आ जाएगा और भारत विश्वगुरु के पद पर अवश्य आसीन हो जाएगा।